फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जनाब, आज का हमारा टॉपिक है ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड। ठीक है, ऑनलाइन अर्निंग कैसे की जाती है? ऑनलाइन अर्निंग के बहुत से तरीके होते हैं। कुछ होता है जिनमें इन्वेस्टमेंट होता है, कुछ होते हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। ओके, तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि सबसे ज़्यादा और अच्छी जो है ना ऑनलाइन अर्निंग जिस चीज़ में होता है, तो फर्स्ट नंबर पे है फाइवर, दूसरे नंबर पे है यूट्यूब, तीसरे नंबर पे है फेसबुक, चौथे नंबर पे है जो है ना टिकटॉक। लेकिन टिकटॉक के बहुत से प्रोसेस होते हैं, उनको सारे छोड़ दो। आप लोगों को वही प्योर चीज़ आप लोगों को चाहिए जिस चीज़ से आप लोग अच्छे खासे अर्निंग करो। ओके, तो मैं आप लोगों को भी बहुत सी वीडियो में रियल अर्निंग के बारे में बताया है कि वैसे ही अर्निंग की जाती है, ऐसी अर्निंग की जाती है, ऐसी अर्निंग की जाती है। ओके, तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को जो चीज़ बताया गया उसको जो है ना दिल से और मेहनत से कर लेना है। ठीक है, तो चलते हैं अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले मैं अपना तारुफ करूँ, मेरा नाम उसामा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और सेवन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जनाब, ऑनलाइन अर्निंग इतना आसान है, ठीक है, कि आप लोगों को मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। अगर आप लोग कोई कोर्स वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते तो ऑनलाइन अर्निंग आप लोगों के लिए फजूल है। ओके, तो आज से आप लोगों को ये चीज़ समझ लेना है। उसके बाद मैं आप लोगों को डेली रूटीन पर तकरीबन एक हफ्ते तक आप लोगों को जो है ना एक ऑनलाइन अर्निंग के बारे में एक मुकम्मल कोर्स देने जा रहा हूँ। ओके, जिसको मैंने खुद की है, जिसको मैंने खुद खुद किया है और मैंने उससे फ़ायदा उठाया है, वही चीज़ आप लोगों को ही मैं प्रोवाइड करूँगा। ओके, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जिससे मैंने जो कुछ कमाया है वो चीज़ आप लोगों को ही समझा रहा हूँ। ओके, तो आप लोगों को ये वीडियो गौर से देखना है, फिर उसके बाद जब आप लोग जो है ना डिटेल से वीडियो देखते जाओगे तो आप लोगों को समझ आता जाएगा कि भी कैसे और क्या क्या करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये चीज़ आप लोगों को बहुत जहन में रख लेना है। यहाँ पे आप लोगों को मैं एक चीज़ बताऊँ तो जनाब, फ्रॉड्स हद से भी ज़्यादा है ऑनलाइन अर्निंग में, फ्रॉड होते हैं। ठीक है, जब भी आप कोई वीडियो देखते हो तो उस वीडियो में आप लोगों को कहा जाता है कि क्लिक करने से आप लोगों को पैसे मिलेंगे। ठीक है, या एक चीज़ करो या एड्स देखो, आप लोगों को पैसे मिलेंगे। तो जनाब, फ्रॉड में ये भी है और फ्रॉड दूसरी चीज़ भी फ्रॉड है। वो क्या करते हैं कि भाई आप लोगों को जो है धोखे में ला के आप लोगों से पैसे लेके फिर खुद बंद करते हैं, नंबर वगैरह चले जाते हैं। तो तब आप लोगों को एहसास होता है कि भाई ऑनलाइन अर्निंग फ्रॉड है, ये वो चले जाते हैं। लेकिन हकीकत में आप लोगों को बोलो, हकीकत ये है कि भाई ऑनलाइन अर्निंग इतना आसान है जितना मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। ऑनलाइन अर्निंग जब करोगे ना तो आप लोगों को सारे चीज़ दिन ब दिन आप लोगों को तजुर्बा होता जाएगा और सारे चीज़ आपके सामने खुलते जाएंगे। ओके, खुलते जाएंगे आप लोगों के सामने और आप लोग क्या करोगे तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ आते जाएंगे कि भाई ऑनलाइन अर्निंग कैसे की जाती है। ऑनलाइन अर्निंग ऐसे की जाती है जनाब, ऑनलाइन अर्निंग हो या किसी और काम में हो तो उसमें आप लोगों को कुछ तो काम करना होगा, तब आपको पैसे मिलेंगे ना। अब फॉर एग्जाम्पल फाइवर को ही ले लो, ठीक है, फाइवर से लोग करोड़ों कमा रहे हैं। आप लोग क्यों नहीं कमाते हो? आप लोग क्योंकि आप लोग एड्स देखने के पीछे चले हो, आप लोग क्लिक करने के पीछे चले हो। इसलिए आप लोगों को यही चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि जनाब असल हकीकत ये है। असल हकीकत आप लोगों के सामने आया ही नहीं है। आप लोग जब भी काम करते हो तो आप लोग पीछे से आप लोगों को जो है ना पीछे से या आगे से फ्रॉड आप लोगों को जो है ना लोग लेकर जाते हैं। सीधा रास्ता जब लोगे, मुश्किल वाकई इसमें होंगे लेकिन आप लोग मुश्किल को तय करके कामयाब हो जाओगे। टेढ़े रास्ते पे जाओगे, मुश्किल कुछ भी नहीं होगा, उल्टा खुद को लौटा के बर्बाद करके वापस आओगे। वापस आने का फायदा ही नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि आपने अपना बहुत से कीमती वक्तों को जाया कर चुके हो। ठीक है, आज से आप लोग तय करो कि भाई हम लोगों को करना क्या है। ठीक है, या तो आप लोग ऑनलाइन फील्ड को ले लो, या तो आप अब जो पढ़ रहे हो तो पढ़ने में ध्यान दो, या तो आप लोग किसी काम कर रहे हो उसी काम में अपना ध्यान दो। ये चीज़ अपना ही छोड़ दो जिस चीज़ में आप लोग अपना जो है ना वक्त ज़ाया कर रहे हो। जो ना वक्त बहुत कीमती है, आप लोग अपने वक्त को समझो, खुद को समझो कि भाई हमें करना क्या है, ये चीज़ को समझो, तब आप काम करोगे। ओके, जिस चीज के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये चीजों आप लोग समझो भाई। ऑनलाइन अर्निंग करते हो तो कुछ ना कुछ आप लोगों को काम या स्किल जरूर आता है, या आप लोग काम करोगे तो आप लोगों को ऑर्डर आएंगे ना, ये चीज को समझो। अगर आप लोग यार ये मुझे बताओ, मैं अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को कह दूं कि आप मेरी वीडियो को देखो, मैं आप लोगों को डॉलर्स दे दूंगा, क्या ये मुनासिब है या ये क्या होगा? ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है यार। क्यों पॉसिबल है? अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो मुझे फायदा है, आप लोगों को तो नहीं है ना। अगर मैं ऑनलाइन अर्निंग के बारे में आप लोगों को रियल तरीका बताऊं, तब आप अपना जो है ना एक टाइम निकाल के अपना वक्त जाया करके मेरी वीडियो को देखोगे। अगर शर्त ये आप लोगों को फायदा होगा ना, तब आप देखोगे। जनाब ऐसे ही है, फ्रॉड्स आप लोगों के जो है ना आप लोगों के आंखों पे पट्टी डाल के आप लोगों को गलत रास्तों के लेकर जाते हैं।
इतना फ्रॉड है, इतना फ्रॉड है जिसके बारे में आप लोग पूछोगी नहीं यार। जब भी फेसबुक खोलो लोग कहता है लाखों कमाया है मैंने, आप लोग भी कमा सकते हो, अभी की जो है ना डन लिखो, जो है ना कमेंट में डन लिखो, पता नहीं क्या लिखो, ये करो वो करो। जनाब अगर आप लोग अपने जहन से सोचो, अगर हकीकत में ऐसा होता तो हमारा पाकिस्तान का ये हाल होता? हम ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में, ऐसे ही अपना जो है ना मुल्क को छोड़ते, ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में जो है ना दर बदर होते? क्या हकीकत में ऐसे काम होता तो लोग ऐसे ही काम करते तो जनाब यहाँ पे कोई यहाँ पे भीख मांगने वाला होता? कसम खुदा की यहाँ के लोग जो है ना मर्सिडीज फरारी में घूमते, यहाँ पे लोग भूख से मर रहे हैं और वो कह रहा है कि भाई आप लोग आ जाओ तुम्हें जो ये चीज़ करके दिखाऊंगा, ये चीज़ करके दिखाऊंगा, आप लोग करोड़पति बन जाओगे। यार खराब करोड़पति बन जाओगे? अगर एक कोर्स होता है जिसमें पेड लोग पैसे जमा करते हैं, हकीकत में बोलूं उन लोगों में से 100 के 100 बंदे पैसे जमा करते हैं, लेकिन हकीकत आप लोगों के सामने डालूं उनमें से 5% लोग कामयाब होते हैं, बकाया 95% लोग फेल होते हैं। क्यों फेल होते हैं? क्योंकि उनका दिमाग में भूसा ही भरा हुआ है, वो ही से समझ रहे हैं कि भाई ये होगा ये होगा ये होगा, नहीं कुछ भी नहीं है यार। ऑनलाइन अर्निंग काम करना आसान है, फाइवर है, डिजिटल मार्केटिंग है, फेसबुक मार्केटिंग है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग है, यूट्यूब मार्केटिंग है, मार्केटिंग करो आप लोग। आप लोग ईमेल मार्केटिंग करो यार, आप लोग फाइवर पे काम करो, लोगो डिजाइनिंग सीखो, लोगो डिजाइनिंग करो, आप लोग कंटेंट राइटिंग करो, आप लोग किसी और चीज़ के बारे में मतलब किसी और स्किल को जो है ना डेटा एंट्री आता है, डेटा एंट्री करो, किसी और काम में खुद को मशगूल करो, इसी काम पे आप लोग काम करो जिस काम से आप लोगों को ऑनलाइन मतलब अर्निंग हो, उसी काम पे खुद पे डालो। ये काम कभी भी मत करो जिस काम पे आप लोग अपना वक्त भी जाया कर रहे हो और आप लोगों को मिल भी कुछ नहीं रहा है। ये बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ हकीकत की, अगर मुझसे पूछा जाए हकीकत में मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे सारे लोगों को देखे हैं। कसम खुदा की ये पिछले जाने वाला जो रमज़ान शरीफ है इसमें एक दिन नहीं होता जिससे हज़ारों फराड़ों से मेरी जो है ना ऑनलाइन अर्निंग में मुलाकात ना हो, हज़ारों फराड़ों से मैंने मुलाकात की है। बस कुछ कहता है ये करो, कुछ कहता है वो करो, ये करो वो करो, सारे चीज़ों क्या करते हैं खुद फंसे हुए हैं, लोगों को भी फंसाते जा रहे हैं और लोगों को भी चूना लगाते जा रहे हैं, खुद चूरम पकिया भेज रहे हैं और जो लोगों को जो है ना गलत रास्तों में भटक रहे हैं। हकीकत में बोलूँ अगर आप लोग अपने वाकई ज़िंदगी में सीरियस हो, अगर वाकई आप लोग अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हो तो जनाब रियल तरीके में आओ, रियल तरीके से काम करो यार। अभी भी आप लोग 22-23 साल के हो गए हो, अभी तक माँ बाप से यार पैसे लेते हो, शर्म की बात है। आप लोग अभी अपने माँ बाप को उल्टा पैसे दो, बचपन से आपको खिलाया पिलाया जो है ना बड़ा किया, डिग्री हासिल की आप लोगों ने, ये चीज़ किया वो चीज़ किया, है कुछ भी नहीं। क्यों आखिर हम खुद अल्लाह पाक खुद कहता है कि मैं उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता हूँ जिसको खुद अपनी हालत पर तरसना है, जिसको अपनी हालत को खुद बदलने में जो है ना इंटरेस्ट ना हो, मैं उसकी हालत कभी नहीं बदलता। ओके तो जनाब आप लोग खुद को बदलने की कोशिश करो, अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करो, अपने जो है ना फ्रेंडों के साथ उठना बैठना कम करो, स्किल सीखो या किसी अच्छी जगह पे किसी काम को सीखो। ऑनलाइन काम करना चाहते हो, ऑनलाइन काम करने में आपका शौक है, खुद से सीखो। मैं इस चीज़ से बहुत ही खिलाफ हूँ कि आप लोग पेड कोर्सेज लेते हो, पेड कोर्सेज कतर ना लो, भले आप लोगों को 5 साल लगे लेकिन अपने दिमाग से सीखो। अपने दिमाग से सीखोगे ना तो तब अपनी ज़िंदगी को कुछ हासिल करोगे, और आप लोग अगर आप लोग सीख गए अपने दिमाग से ना, कसम खुदा की मैं आप लोगों को हकीकत बोलूँ इन पेड कोर्सेज वालों से भी आप लोगों का दिमाग जो है ना आगे होगा। क्यों आगे होगा? क्योंकि आप लोग खुद से तजुर्बा करके आ रहे हो, खुद से कमा के आ रहे हो। यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी में अपने आप को बदलने की कोशिश करो, अपने जहन में कुछ नया तरीका डालो, एक स्किल सीखो या यूट्यूब पे चैनल खोलो, किसी अच्छी जो है ना मतलब काम में खुद को मशगूल करो। मतलब अगर आप लोग यूट्यूब पे चैनल खोलते हो अपने फेस पे आओ, कॉपीराइट पे काम नहीं कर लेना है, फेस पे आओ फेस पे काम करो। मतलब जो चीज़ आप लोग सिखा रहे हो मिसाल के तौर पर, अगर आप लोगों को जो भी चीज़ प्रैक्टिकली होना रहता है वही चीज़ यूट्यूब पे लोगों को सिखाओ, एजुकेशन दो, ये अच्छी चीज़ है। हकीकत में बोलूँ अगर मेरी वजह से कोई रोजी कमाता है तो किसी का जो है ना मुश्किलात हल होते हैं, मैं इसमें बहुत ही खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? क्योंकि यार मेरी वजह से किसी मेरे भाई का या मेरी बहन का ठीक है ना, उन लोगों का जो है ना मुश्किलात हल होते हैं, उनका गरीबी चला जाता है। ये चीज़ें करो अच्छी तरीके से, ठीक है, काम करो, अपनी ज़िंदगी में कुछ अपने हैसिल करो,
मिलियनियर बनना है आप लोगों को या बिलियनियर बनना है आप लोगों को, सोच मत लगाओ, इस चीज की सोच मत लगाओ कि मैं ये सोच रहा हूँ, सोच सोच के थक गया हूँ कि मैं आगे कैसे जाऊँ। शुरू करो, आज से ही स्टार्ट करो, आज से ही मेहनत करो, और अल्लाह पाक से यही दुआ मांगो कि आज से हम ये चीज शुरू कर रहे हैं, कामयाबी नाकामयाबी आपके हाथ में है, जो चीज आप हमें अता करो, हम आपसे राजी है, आप हमसे राजी हो जाओ, बस यही चीज करो और आगे जाओ, काम करो, अपनी जिंदगी में कुछ बनाओ। ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन अर्निंग किसे कहते हैं, ऑनलाइन अर्निंग कैसे की जाती है, इन चीजों को समझो। ओके, पहले समझो, फिर कदम रखो इसके अंदर, फिर काम करो, एक हुनर सीखो, एक स्किल सीखो, तब इसके अंदर आ जाओ। मैं आप लोगों को स्किल सिखाऊंगा, मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में भी स्किल सिखाई है, आगे चल के इंशाल्लाह बहुत से बड़े बड़े आप लोगों को स्किल सिखाऊंगा। ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, आप लोगों को Alibaba.com पे काम करना सिखाऊंगा, आप लोगों को Amazon पे मैं काम करना सिखाऊंगा। बस आप लोग आस्ता आस्ता समझ जाओगे और अपने काम पे ध्यान दोगे और काम करोगे। यार ये जितनी भी बड़ी यूट्यूबर्स है, ये जितनी भी बड़े बड़े मिलियनियर है, ये क्या माँ के पेट से खुद अमीर होके आ गए क्या, या इनको पहले से अल्लाह पाक ने दिमाग डाल के इनको भेज दिया, यही दुनिया में आए दर बदर के ठोकरे खाए तब उन लोगों ने ये मकाम हासिल किया। आप लोगों को भी अगर मकाम हासिल करनी है, मंजिल तक अपना पहुँचना है, तो आप लोगों को लाजम सी बात है, दिक्कत के तो कहोगे अपनी ज़िंदगी में, इन चीज़ों को समझो, इन चीज़ों को काम करो, अहद करो कि आगे भी हम अपना काम करेंगे और खुद को जो है ना एक अच्छी पोजीशन में लेकर आएंगे। तो ये चीज आप लोगों की है, अगर आप लोग क्रिएटर हो तो आप लोग सारे ऐप्सों पे अपनी वीडियोस डालो, ठीक है, ये अपनी शर्म मतलब इसको चीज को कट करो कि फिलहाल ना मैं देखेगा, या इसे कोई और हमें देखेगा, क्या कहेगा, ये कहेगा। अगर कोई और की सोच में आप लोग आ गए तो आप लोगों को कुछ ही हासिल नहीं होगा। टिकटॉक पे डालो अपनी वीडियोज, यूट्यूब पे डालो अपनी वीडियोज, अगर से आप लोग क्रिएटर हो, ओके, टिकटॉक पे डालो, यूट्यूब पे डालो, फेसबुक पे डालो, इंस्टाग्राम पे डालो, ठीक है, ट्विटर है, ट्विटर पे डालो, सारी चीज़ों पे अपने एक ही नाम पे एक अकाउंट बनाओ और सब पे अपने वीडियोस डाल दे जाओ। ओके, इस पे आप लोगों को फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप लोगों को 6 महीने या 7 महीने या साल तक आप लोगों को अर्निंग नहीं हो गई, तो तब आप लोग एक ना एक दिन तो वायरल हो जाओगे, तब आप लोग एक ना एक दिन ये ऐड करोगे और एक ना एक दिन आप लोगों की भी अर्निंग स्टार्ट होगी। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये मेरी बातें मैं अपने भाइयों को अच्छी तरीके से समझाया है। आगे आप लोगों के लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े कोर्सेज लेकर आ रहा हूँ, जो खुद उस पर ध्यान दूंगा, खुद आप लोगों को समझाऊंगा। अगरचे आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ की आप लोगों को जो है ना सवालात पूछने हैं, या आप लोगों को जो है ना किसी चीज़ के बारे में मालूमात चाहिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं उनका सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए इतना, मिलते हैं कमिंग वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।